दोस्तों अपने YouTube चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी कंप्लीट करने के बाद 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने के बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज ना हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद इस क्राइटेरिया को एक क्रिएटर कंप्लीट कर पाता है और बाद में जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो उसे काफी बुरा फील होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उस पर रीयूज कॉन्टेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैनल को खुद से चेक कर पाएंगे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और कुछ चैनल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जिन्होंने कि ये मिस्टेक करी है और उनके चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद भी वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो अपने चैनल पे कुछ काम करते हैं सही तरीके से तो तब जो है उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा मैसेज आते हैं कि हमारे चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया है और उन्हीं के कुछ चैनल्स को मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ और उन्हीं के चैनल्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को देखिए, इस चैनल पे 90.6 के सब्सक्राइबर्स हैं और 40 वीडियोस इन्होंने अपलोड की हैं। और दोस्तों ये शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पॉपुलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो जो है वो 15 मिलियन व्यूज गए हैं। लेकिन दोस्तों ये रेसलिंग से रिलेटेड जो है वीडियोज अपलोड करते हैं और शॉर्ट्स ज्यादा अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक क्या की है, गलती क्या की है कि जो इन्होंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की है ये इन्होंने यूट्यूब से ही डाउनलोड करके उसमें बैक म्यूजिक लगा के यहाँ पे अपलोड कर दी है। ऐसे में जो है इन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से कोई वॉइस ऐड नहीं की है, कोई अच्छे से एडिटिंग नहीं की है। यहाँ पे ये जो है रीयूज कंटेंट में कंटेंट आता है, इसलिए इनको इनके चैनल पे रीयूज कंटेंट मिला है। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपनी भी कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन दोस्तों इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि इनकी जो मोस्ट पॉपुलर व्यूज वीडियो है उस पे जो है यहाँ पे रीयूज कंटेंट आएगा ही। और अगर ये इसे डिलीट कर देते हैं तो इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इनके जो व्यूज हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। और ऐसे में जो है इन्हें अब फिर से मेहनत करनी होगी, अपने चैनल पे सही तरीके से वॉच टाइम को इंक्रीज करना होगा या फिर अपनी शॉर्ट वीडियोज को वायरल करवा के उस पर 10 मिलियन व्यूज लाने होंगे, तब जो है इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 90.7 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। दूसरा चैनल है यहाँ पे जिसपे की 90.1 के सब्सक्राइबर्स हैं, 73 वीडियोस अपलोड की हुई हैं और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो है ये जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ये इनकी खुद की वीडियोस हैं, यानी कि ये खुद फेस कैम भी कर रहे हैं। अभी की वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जिसपे की 1.2 मिलियन व्यूज गए हुए हैं और 1 मंथ पहले इन्होंने अपलोड की थी, तो दोस्तों ये वीडियो जो है इनकी खुद की नहीं है और इसमें इन्होंने कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं की है, कोई भी अपनी प्रेजेंस नहीं डाली है, जिसकी वजह से जो है इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये वीडियोस इनके चैनल पे रहेंगी ये अपनी खुद की जितनी भी वीडियोस डालेंगे तब भी जो है इनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इनको अपने चैनल पे उन वीडियोस को फाइंड करना होगा जिनमें कि इनकी प्रेजेंस नहीं है, जो कि इन्होंने कहीं से डाउनलोड करके यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उन वीडियोस को फाइंड करके इनको यहाँ पे उन्हें डिलीट करना होगा। और उसके बाद जो भी ये अपनी वीडियोस डालेंगे उनपे जो वॉच टाइम क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद ये अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। दोस्तों थर्ड चैनल है 22.7 के सब्सक्राइबर्स वाला जिसपे की 225 वीडियोस इन्होंने अपलोड की है और ये भी एक शॉर्ट चैनल है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनकी शॉर्ट वीडियोस पे काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आते हैं। हम यहाँ पे पॉपुलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.7 मिलियन व्यूज, 3.4 मिलियन व्यूज, 3.3 मिलियन व्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो गेमिंग वीडियोस अपलोड करते हैं ये खुद ही अपने मोबाइल से गेम खेलते हैं और बैकग्राउंड में जो है वो म्यूजिक ऐड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये गेम खेलते हैं उसमें ये कोई भी अपनी प्रेजेंस ऐड नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी अपनी वॉइस ऐड नहीं करते हैं। और सेकंड चीज की जो इन्होंने म्यूजिक यहाँ पे ऐड किया होता है अपनी शॉर्ट वीडियो में वो यहाँ पे जो है इन्होंने यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में से जाके नहीं ऐड किया होता है। एंड वहां से भी अगर करते हैं लेकिन हमने यहाँ पे अपनी वॉइस अगर नहीं ऐड की है, कोई भी अपनी प्रेजेंस ऐड नहीं की है, तो ऐसे में जो है चाहे हम म्यूजिक यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन से ही सेट करते हैं तब भी हमारे चैनल पे जो है वो रीयूज कॉन्टेंट ही आएगा। दोस्तों और भी कई सारे चैनल्स हैं जिन्हें कि मैंने खुद देखा है और उन्होंने अपने चैनल पे जो है इसी तरीके की वीडियोस अपलोड की होती हैं और जब उनकी उन वीडियोस पे व्यूज आ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, तब जो है वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा जब तक उनके चैनल पे रीयूज कंटेंट रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने चैनल पे रीयूज कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप
आपको ये चेक करना है कि आपने अपने चैनल पे कहीं से वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड तो नहीं कर दिया है, आपने कुछ भी उसमें एडिट नहीं किया और ऐसे ही अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। आपको अगर यूट्यूब से ही कोई वीडियो कोई क्लिप चाहिए है और उसमें आप एडिटिंग करके यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको अपनी प्रेजेंस देनी होगी, आपको अपनी वॉइस देनी होगी या फिर उसे अच्छे से एडिट करना होगा और यहाँ पे किसी फ्री कॉपीराइट म्यूजिक का यूज करना होगा। ऐसे में जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कंडीशंस हैं, इसलिए आपको अपनी वॉइस जो है वो जरूर से ऐड करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में भेजते हैं तो यूट्यूब जो है आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देखता है। जो भी आपने अपनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो अपलोड की होती है उस पे जितने भी व्यूज आए हैं, जितना भी उससे वॉच टाइम मिला है, तो यूट्यूब उसे चेक करता है कि क्या वो आपकी खुद की वीडियो है या फिर आपने कहीं से डाउनलोड करके अपलोड की है। दोस्तों चाहे आपने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपनी वॉइस दी है या फिर अपना फेस कैम वीडियोस बनाई हुई हैं, तब भी जो है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पे रीयूज कंटेंट आ जाएगा। तो दोस्तों मोस्ट पॉपुलर वीडियो अगर आपकी खुद की है और लेटेस्ट वीडियोस भी अगर आपने अपनी खुद की बनाई हुई हैं, तो 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस पर कभी भी रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दोस्तों उसी के साथ अगर आपके चैनल पे फिर भी रीयूज कंटेंट आ जाता है कि आपको लगता है कि आपके चैनल पे कोई भी रीयूज कंटेंट नहीं है, तो उसके लिए आप यूट्यूब को अपील वीडियो सेंड कर सकते हैं। अपील वीडियो कैसे सेंड कर सकते हैं उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप अपने रीयूज कंटेंट को कैसे हटा सकते हैं, कैसे रीयूज कंटेंट से बच सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।